देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में, ठीक है, कुरुश अथवा साइरस द्वितीय ने, ठीक है, हकमानी हकमानी साम्राज्य की स्थापना, ये भी पूछा जाता है हकामनी साम्राज्य कहाँ पे था, तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पे, तो कहाँ पे बताएंगे, तो ईरान में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बेहुस्तुन, ठीक है, बेहिस्तुन, ठीक है, पारसी पोली तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख, ठीक है, ध्यान में ये पूछता पूछा है, ठीक है, बेहुस्तुन, ठीक है, पारसी पोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख से दारा प्रथम के शासनकाल, दारा प्रथम के शासनकाल है, ठीक है, इससे भारत फारसी संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दो अभिलेख से, कौन से, नक्श ए रुस्तम से, और दूसरा कौन सा अभिलेख है, बेहस्तून, क्या नाम है, बेहस्तून, ठीक है, ध्यान रखिए, भारत और फारस के संबंध के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलता है, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उनके बेहस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है, हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था, ठीक है, हेरोडोटस के अभिलेख से ज्ञात होता है कि भारत की बात करें दारा के साम्राज्य का 20वां, संपूर्ण भारत नहीं लेकिन भारत का कुछ हिस्सा, ठीक है, 20वां प्रांत था, दारा को इस प्रांत से, ठीक है, 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी, टेसियस, टेसियस की बात करेंगे तो ईरान का राजवैद्य था, ठीक है, टेसियस अर्थजरिक्स का राजवैद्य था, फारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, ठीक है, हमारे जो पश्चिम और उत्तर भाग से जो संपर्क होता है तो वहां पर आप खरोष्ठी नामक नई लिपि का आप जन्म भी देखते हो, जो ईरानी अरमाइक लिपि से उत्पन्न होती है, ठीक है, फारसी स्वर्ण मुद्रा को डेरी कहते थे, रजत मुद्रा को सिग्लोई कहते थे, ठीक है, क्या बोलते थे फारसी में, ठीक है, बात करेंगे फारस में आप देखोगे, ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते हैं फारस में, क्या बोलते थे, डेरेक डेरिक डेरेक बोलते थे, और रजत मुद्रा को क्या बोलते थे, रजत मुद्रा का सिग्लोई बोलते थे, सिग्लोई क्या बोलते हैं, डेरिक और सिग्लोई, इसको आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है, ईरानी सिक्के की बात करें सिग्लोई 75 में प्रांत, सिग्लोई की बात करें रजत मुद्रा था और 75 प्रांत में प्रचलित था, ठीक है, देखिए स्वर्ण मुद्रा तो किसी भी, आप देखेंगे किसी भी सभ्यता में भी कहीं भी, ठीक है, किसी भी साम्राज्य में आप देखोगे होता तो था लेकिन क्रय विक्रय का माध्यम नहीं होता था, ठीक है, मान लीजिए 2000 रुपया का नोट चलता लेकिन 2000 रुपया का नोट हम लोग के समाज में चल रहा है, क्रय विक्रय का साधन था क्या, नहीं था, क्रय विक्रय का साधन हमेशा जो होगा ना छोटा मुद्रा होता है, ठीक है, किसी सभ्यता में सोना का सिक्का तो है लेकिन अगर चांदी है तांबा है तो चांदा और तांबा जो होगा सर्वसाधारण लोगों का मतलब क्रय विक्रय का साधन होगा, ठीक है, सोना में ट्रेड नहीं कर सकता वो लोग, सोना का मुद्दा जाकर छोटा काम करने के लिए जाएगा, नहीं हो पाएगा, हम लोग का सामान्य आदमी को क्या काम होगा, सब्जी खरीदना पड़ेगा, ग्रोसरी आइटम चाहिए, छोटा मोटा चीज चाहिए, तो इसके लिए छोटा मुद्रा चाहिए न कि बड़ा मुद्रा, ठीक है, तो उसी तरह 75 प्रांत में जो प्रचलित मुद्रा जो था सिग्लोई था, जो कि मतलब क्या था, एक रजत मुद्रा था, ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, ठीक है, देखते हैं, महापद्म नंद ने, उत्तराधिकारियों की संख्या पुराना तथा तो बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ये किधर आ गए हम लोग, ये कहाँ आ गए हम, हाँ अच्छा, ठीक है, जो पर्सन सिकंदर का तो समकालीन था उसने यूनानी लेखक के अग्रमिज कहा, ठीक है, उसे यूनानी लेखक ने क्या कहा, अग्रमिज कहा था, घनानंद को अग्रमिज कहा गया है, जेनोफोन में उसे बहुत ही धनंत व्यक्ति बताया गया, भद्रशाला उसका सेनापति था, भद्रशाल था, साला नहीं है सॉरी, उसका सेनापति था, सिकंदर मैडिसन का छत्रप फिलिप द्वितीय का पितृ था, ठीक है, सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था, फिलिप सेकेंड, ठीक है, हकमानी साम्राज्य का ध्वस्त के पश्चात 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में एक विशाल सेना का सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला, लगभग 2 वर्ष के अंतराल पर 325 में, ठीक है, 325 के लास्ट में सिकंदर, ठीक है, सितंबर माह में सिकंदर जब पाटन में यूनान को परास्त पाटन से यूनान को प्रस्थान वापस किया, ठीक है, डॉक्टर हेमचंद्र राज चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेश में विद्यमान थे, जो कि सारे के सारे स्वतंत्र थे, यही चीजें जो थी सिकंदर को बहुत अधिक फायदा किया, क्योंकि यूनिटी नहीं थी तो सिकंदर आसानी से भारत को जीतते हुए चला गया, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, ध्यान में रखेंगे, जिसकी राजधानी की बात करेंगे मसगस थी, यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहां के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था, ठीक है, इस विवरण से पता चलता है कि सिकंदर इस नगर की समस्त स्त्रियों के मौत का घाट उतार दिया, किससे, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ से पता आपको चलता है, ठीक है, किससे पता चलता है, नाम नहीं दिया उसका, इसी विवरण से पता चलता है, ठीक है, मतलब उसकी राजधानी थी मसगर थी, तो वहां का विवरण से पता चलता है, ठीक है,
पुरु की बात करें, पोरस का राजा झेलम और चेनाब के बीच में बसा था, और सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होती है, ठीक है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए, ठीक है। बात की इसके बारे में जानकारी कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलती है, रियलिटी क्या था, क्योंकि समकालीन सिकंदर के समकालीन जो भारतीय लेखक जो थे वो किसी भी प्रकार की इस तरह की चर्चा आपको भारतीय साहित्य वगैरह में भी ज्यादा जानकारी नहीं देखने, मतलब सिकंदर ने भारत में क्या क्या नहीं किया, इसका जो बेस जो आपको मिलेगा वो केवल यूनानी ग्रंथ में ही देखने को मिलता है, भारतीय ग्रंथ में इसकी चर्चा भी नहीं है, ठीक है। सिकंदर को इसमें महान बताया गया है। सिकंदर ने दो दो नगर, ठीक है, एक निकैया तथा बाउकेफला का स्थापना किया, ठीक है। बाउकेफला की बात करेंगे तो सिकंदर का घोड़ा का नाम था, ठीक है, घोड़ा के नाम पे उसने अपना नगर बसाया था। सिकंदर का घोड़ा का नाम बाउकेफला था, याद रखिएगा, ठीक है। ब्यास नदी सिकंदर के उत्तर से चरम बिंदु से, तो उसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सिकंदर बहुत लोग झेलम मार देते, नहीं, झेलम के नदी के तट पे पोरू और सिकंदर के बीच में, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है। जबकि बात करेंगे तो नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, नदी कौन थी, ब्यास नदी थी। 323 ईसा पूर्व में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है। सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था सिकंदर का मृत्यु, बेबीलोन में हुआ था, ठीक है। सिकंदर कहाँ का था, तो मेसिडोनिया का था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम से 75 भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बाउकेफला, सिकंदरिया आदि स्थापित हो गए, अपने नाम से एक शहर बसा था जिसका नाम सिकंदरिया था। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकूलन भारत में, ठीक है, उलुक शैली के सिक्के ढाले गए, ठीक है। तो उलुक शैली के सिक्के की बात करेंगे तो यूनानी, ठीक है, यूनानी मुद्राओं के अनुकरण करके इसको बनाया गया था, ठीक है। अब चलते हम लोग प्रश्न आते हैं, ठीक है। सिकंदर के हमले के से भारत में निम्नलिखित किस राजवंशों का शासन था, सभी लोग बताइए, मुंह बंद करके नहीं रखेंगे, ठीक है। किस वंश का शासन था तो क्या बताएंगे, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंद वंश के शासक की बात करें, इसके शासक का नाम क्या था, क्या नाम था, जिस समय शासक था घनानंद था, ठीक है। यूनानी लेखन उसे अग्रमिज कहा, ठीक है। इसका भद्रसाल जो था इसका सेनापति था, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, बहुत ही मतलब धनी व्यक्ति बना, जो जनता से खून चूस के उसे बहुत अधिक कर लगा के संपत्ति का जमा किया करता था, जनता भी इसे त्राही त्राही थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मगध सिकंदर महान के समकालीन था, तो सिकंदर महान का समकालीन जो था आपका धनानंद था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों पर फिर से आपको विचार करना, बोलिए आप लोग भी। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, ठीक है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, गलत बात है, चंद्रगुप्त मौर्य से उसका कोई भी संपर्क नहीं था, ठीक है, ये सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि घनानंद से मतलब इसकी लड़ाई होने वाली थी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसलिए घनानंद से इसकी भी लड़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। बात करेंगे हकमानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में एक विशाल सेना का सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला, अलग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 में सिकंदर ने सितंबर माह के में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ। इस प्रकार ये सही है परंतु आर गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आहत हो जाने किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्री ने सिकंदर के विरुद्ध मतलब शस्त्र धारण किया, तो मसगस था, क्या नाम था, मसग, क्या नाम है इसका, मसगस, ठीक है। मेंस में प्रश्न पूछा यूपीपीसीएस में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे आगे का प्रश्न देखेंगे तो क्या है प्रश्न, तो भारत ने सिकंदर की सफलता किन कारणों से, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है, उसकी फौज बेहतर थी कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, वह देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, यह भी सही है, एक अच्छा प्रशासक था। हम देखते हैं क्या इसका आंसर लिया है, इसका आंसर बी लिया है, ये भी लिया है, उसकी फौज भी बेहतर थी, ठीक है, मतलब अच्छा प्रशासक था, ऐसी कोई चीजें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उस समय मतलब कितने स्वतंत्र, 28 स्वतंत्र राज्य थे, तो सब मिले हुए नहीं थे, इसलिए केंद्रीय प्रशासन की बात तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर से झेलम के नदी पे पराजित किया था, जिसे सिकंदर ने झेलम, तो उसका नाम पोरुष था या फिर पुरु के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं है, ये प्रश्न कई बार है, ठीक है, डाइमेकस नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्याकस था, अनेस्क्रिटस था, निर्याकस जो था उसका जल सेनापति था, कौन था उसका, जल सेनापति की बात जल करेंगे तो उसका नाम क्या था, निर्याकस था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं है था, स्टर्बो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, आप चलेंगे आगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे, मौर्य सम्राट, तो क्या आप लोग मौर्य सम्राट भी पढ़ना चाहेंगे, रहने दीजिए सर, ये कल पढ़ा दीजिएगा, साइंस का एक चैप्टर पढ़ा दीजिए, जब तक नहीं आधा नहीं घंटा में ये नहीं पढ़ना है, कल पढ़ा दीजिएगा। पढ़ा दे, मौर्य सम्राट, हाथ उठाई, कितना लोग तैयार है, 5 वोट चाहिए सरकार बनाने, 6 वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 11 आदमी है, 2 तो हम ही है,
तो मेरा निर्णायक हो जाता है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ाने के उसमें। उसके बाद बताइए कितने लोग इच्छुक हैं करोड़। नेक्स्ट में पढ़ाइएगा। अच्छा चलिए कौन दे और दे। यस ओके चलिए, सरकार गिर चुकी है, मौर्य साम्राज्य नेक्स्ट क्लास में होगा। और कल एक साइंस पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। और दो काम करेंगे, 50 जो आपका जो मैथ वगैरह जो रह गया उसका वो लोग बना लीजिएगा, जो अभी तक नहीं बनाया है, जो सेट नहीं बनाया वो भी बना लीजिए। और क्या कल दूसरा सेट भी डाल दो।